बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो आज हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कराने के लिए, कोविशील्ड। सो अभी मैंने ग्लूकोज की बॉटल भर ली है और मास्क ले लिया है, सनग्लासेस लगा ली है सेफ्टी पर्पज से। डेफिनेटली मैं डबल मास्क लगाऊंगी वहाँ जाके, बिकॉज हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली मुझे डर तो नहीं कहूँगी, बट स्टमक में बटरफ्लाई और ये, और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा क्या होगा। वैसे तो मैं इंजेक्शन से नहीं डरती हूँ, बट स्टिल ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज लोगों के बहुत सारे रिव्यू सुने हैं कि ऐसा होता है, उसके बाद ऐसा होता है, उससे पहले ऐसा होता है। सो आई एम लिटिल वरीड, बट स्टिल हमें लगवाना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग है अब तो। सो चलो चलते हैं, आपका आगे की जर्नी दिखाते हैं। ये कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं हम? डॉक्टर बी एल कबूत। डॉक्टर बी एल, ये कहाँ पड़ेगा, मतलब कौन से वाली ब्रांच? ये राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर, और कितनी देर का रास्ता है यहाँ से? यहाँ से 35 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, सो हमारी 3 o'clock की अपॉइंटमेंट है, सो हम पहले ही चल पड़े हैं, तो सेफ्टी पर्पज है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भीड़ हो और कुछ हो, तो लेट्स सी। जब तक रास्ते में है, मैंने सोचा थोड़ी सी बातचीत करते चलते हैं, क्योंकि बोर हो रहे हैं ना। तो अभी मैं देख रही हूँ रास्ते में, आप देखोगे यहाँ पर अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, सड़कें खाली पड़ी हैं, लॉकडाउन खुल चुका है, स्टिल सड़कें अभी खाली हैं, बिकॉज मे बी शायद प्रिकॉशनरी लोग यहाँ से अभी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैंने भी मास्क लगा लिया, वैसे तो मैं ये वाला मास्क नहीं लगाती हूँ, मैं दूसरा मास्क लगाती हूँ बहुत प्रोटेक्शन के साथ, जो एक मास्क है मोदी केयर का एक मास्क है, बहुत ज़्यादा उसमें 3 लेयर्स हैं। तो बट सडनली हमें निकलते निकलते मुझे वो मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो मैंने कहा कोई तो मास्क उठाओ फटाफट से। तो थोड़ा सा डर लग रहा है। और रजत, मुझे अभी ऑर्डर आई जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा होता है, इतनी मोटी सरिंज होती है, उसमें दर्द होता है, और जैसे जैसे मेडिसिन उसके अंदर जाती है बॉडी में, वो पेन करती है, और फिर हंसने लग जाते हैं, और फिर बोलते हैं मैं मजाक कर रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं मुझे। रजत थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट तो करो। नहीं, एक्चुअली सीरियसली मैं, ये भी है कि अगर आप इंजेक्शन लगवाते हो तो बहुत अगर बहुत सारा फीवर भी हुआ है, प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। अब अगर फीवर हो गया तो 102-103 रहता है फीवर, आपको वीकनेस बहुत रहता है, तो उसके लिए आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए आपको चीज़ें खानी भी हैं, हेल्दी फूड्स लेने चाहिए। तो लेट्स सी, अब इनका इनके साथ क्या रहता है। वो तो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, आफ्टर इफेक्ट्स तो देखते हैं, लेट्स सी। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं स्ट्रांग हूँ, आई एम पावरफुल वेमेन, सो मैं इंजेक्शन से नहीं डरती, मैंने बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए हैं तो मुझे अब डर नहीं लगता बिल्कुल भी। सो लेट्स सी, हाँ आफ्टर इफेक्ट्स डेफिनेटली रहते हैं, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम डेफिनेटली उससे फाइट कर पाएंगे। सो इसीलिए मैंने ग्लूकोज की बॉटल भर ली है, ताकि मेरे अंदर जो है एनर्जी बरकरार रहे। सो देखते हैं आगे क्या होता है। देर बाद अब जाके थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ट्रैफिक दिखा है, ये मायापुरी है ना? हाँ जी, मायापुरी में थोड़ा सा हल्का सा मुझे, वो भी मूविंग ट्रैफिक है, ज्यादा नहीं है, अभी तक तो सब कुछ खाली लगा रहा था, बिल्कुल ऐसे सड़कें खाली पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था एक्चुअल में लॉकडाउन है, बट यहाँ आके लग रहा नहीं यार, लोग निकले हैं घर से बाहर, और हम तो सच में बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम आफ्टर अ मंथ आई गेस, राइट? एक महीना से तो ज्यादा, उससे पहले लास्ट पता नहीं कभी कोई कुछ सामान वगैरह लेने गए होंगे या कुछ, इतने दिनों बाद हम बाहर निकले हैं, तो नया नया सा लग रहा है, बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है, वो सड़कें इतनी अच्छी अच्छी लग रही हैं, खाली खाली सड़कें, दिल्ली में नॉर्मली ऐसा नजारा देखने को मिलता नहीं है, तो ठीक है कोई नहीं, अच्छा है। बस बस इतना बोलोगे, इतना बोलोगे, एनर्जी यही सारी खत्म हो जाएगी। अभी आपको ये बड़ी वाली जो सुई जो लगनी है उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। आपको ध्यान से अभी एक काम करो, मैं ग्लूकोज वाला पानी लेके आऊँ, ग्लूकोन डी मैंने इसमें मिलाया हुआ है, आप उसको पियो, एनर्जी लो और शान से बैठो। अब पहले मैं बहुत सारी एनर्जी आप वापस से आ चुके हैं, तो मैं काम करती हूँ, मैं फिर से बात करती हूँ, मैं आपको वो वाली स्टोरी सुनाती हूँ जब हम वहाँ गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। बस अब आराम से रिलैक्स करो, आने वाला है और उसके बाद आपको बड़ी वाली सुई एक लगने वाली है, जिसके बाद आपको एक और मजा आएगा। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो या मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ? तो ये कैसा साथ था? नहीं, मैं बिल्कुल दिल से आपके साथ हूँ।
भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, सपोर्ट के नाम पे इतना डरा रहे ना तब से मुझे, बाय गॉड मैं तेरे साथ ही हूँ, उसमें इंजेक्शन बड़ी वाली सुई है लेकिन दर्द नहीं होगी। वाह रजत जौहर क्या मजा है, धूप है बाहर ठंड है अंदर क्योंकि एसी चला है पर रोड है खाली, वाह 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 वाह। वैसे लाइन बनी नहीं है शेरो शायरी की बट वाह 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 वाह। राजेंद्र पैलेस तो हम पहुंच चुके हैं, अब मिकल 5-7 मिनट का रास्ता हुआ बस आगे ये रेड लाइट पास करके। हम एंट्री ले रहे हैं हॉस्पिटल में, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द पार्किंग। ये वैक्सीनेशन के लिए कहाँ पे है? बाप रे जब मैंने एंटर किया वहाँ पे इतना बड़ा सा ग्राउंड, ओपन ग्राउंड, गर्मी इतनी थी वहाँ पर, इतने लोग देख के तो मैं वैसे ही डर गई थी बहुत ज्यादा। हमारा नंबर क्या है? R0417 और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है R0354 तो okay. मतलब इट विल टेक टाइम, वेट ही करते हैं और क्या करेंगे, वेट तो करना ही है लेकिन यहाँ पे ना ज्यादातर हमें प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। हाँ। और किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। भीड़ देख के परेशान हो रहे थे, नंबर बहुत पीछे था तो सडन एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑनलाइन पेमेंट जिन्होंने की है वो आगे आ जाइए। फिर मुझे लगा हमने ऑनलाइन पेमेंट की नहीं है बट हम कर तो सकते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था ऑनलाइन पेमेंट करने का, हमने फटाफट से ऑनलाइन पेमेंट किया और विद इन 5-7 मिनट्स में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और 3-4 मिनट्स में मेरा वैक्सीनेशन भी लग गया। सो इट वॉज सो ग्लैड कि हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और वहाँ पे पहुंचे जहाँ पर इंजेक्शन लग रहा है। हम बाहर ही वेट कर रहे थे अपने नंबर का, वैसे तो मेरा नंबर आने वाला था बट डॉक्टर अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज कर रहे थे अंदर बुलाने के लिए। आई वॉज वेटिंग आउटसाइड, सो अंदर फिर से डर लग रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल वहां तक पहुंच चुकी थी जहां मुझे एक्चुअल में आना था। सडन डॉक्टर ने बुलाया, मैं अंदर गई और अंदर जाके डॉक्टर ने बिठाया, फॉर्म वगैरह फिल किया, मेरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है ली और उसके बाद मुझे समझाया कि इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, वैक्सीनेशन से बुखार आएगा, वॉमिट आएगी, तो आइस पैक लगाना है। सारी इंस्ट्रक्शन वो बहुत अच्छे से दे रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन भी ले रहे थे और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे। सो नाउ अब वो टाइम आने लगा था जब वो सिरिंज में इंजेक्शन भर रहे थे तो अंदर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा था। मैं देख रही थी, मैं डर नहीं रही थी, मैं देख रही थी क्योंकि मैं अपने डर पे जीत पाना चाहती थी। उसके बाद हमारे फ़ोन की बैटरी हो गई डेड और वो पर्टिकुलर शॉट नहीं ले पाई जिसको एक्चुअल में मुझे लेना था, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमने दूसरे फ़ोन से हमने अपनी आगे की क्लिपिंग बनाई और मैंने फोटोग्राफ भी खिंचवाई प्रूफ के लिए कि मैंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है। सो आई एम सो ग्लैड कि आई हैव डन माय रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी। तो रणदीप कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बट ये आपने जो गड़बड़ की है ना, मेरे जो इंजेक्शन लगते हुए की जो वीडियो नहीं बनाई ना आपने बिल्कुल भी, वो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं देखना। चलो ठीक है, एनीवेज थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि ये पूरा जो बाजू है ना वो थोड़ी हार्ड हार्ड से हो रही है, भारी भारी से हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्थर पकड़े हुए मैंने। चलो घर चलते हैं, वेटिंग फॉर दी फीवर। चले हम यार घर भारी वाली बाजू लेके। एक तो इंजेक्शन लगवाओ, दर्द सब, ऊपर से इतनी गंदी गर्मी, एसी चलाओ यार। चले अब घर चले, आराम करेंगे उसके बाद। ओके
ये साइड इफ़ेक्ट तो थे, मेरी बॉडी को भी इफ़ेक्ट हुआ। डेफिनेटली इंजेक्शन में पेन हो रहा था, लाइट बुखार था मुझे, 99 बुखार था, और मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो चली गई थी और बहुत वीकनेस लग रही थी। उस दिन भी लगी और नेक्स्ट डे भी पूरी। उसके बाद मैं आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। सो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, जब भी वैक्सीन लगवाएंगे आप अपना ध्यान रखें। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी दर्द भरी ये दास्तान और हमारी ये वैक्सीनेशन की व्लॉग अच्छी लगी हो तो हमारे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके जो हम देना चाहते थे। और इसी तरह से अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर की जितनी भी वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो नेक्स्ट हम मिलेंगे आपके पास आपके साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट के ऊपर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, बी हेल्दी, बी एट होम। बाय बाय।